सारिआं नूं सति श्री अकाल। स्वागत करदी हां मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते। मैं हां सुमनप्रीत कौर। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कमेंट कर रहे हैं कि मैडम सानू नहीं पता लग रहा असी तैयारी कित्थों शुरू करिए, एग्जाम डेट्स आ गई ने ते सानू दसो असी किहड़ा टॉपिक कवर करिए, किहदे विचों ज़्यादा पेपर आऊगा जां किवें पेपर नूं अटैम्प्ट करना। तो अज की यह वीडियो आ जिहड़ी तुहाडे सारिआं दे लई बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होण वाली आ, क्योंकि अज की इस वीडियो दे विच असी तुहाडे जिहड़े सारे ही डाउट्स आ किवें तैयारी करनी कित्थों शुरू करना ये सारे दे सारे असी क्लीयर करांगे। सब तो पहला तुसी देख सकते हो ये मेरे कोले कुछ सिलेबस आ जिहड़े कि मैं सारे ही सिलेबस तुहाडे मैच करके देखे आ। फायरमैन का सिलेबस है, ठीक है, तो उस तो बाद है मेरे को सब इंस्पैक्टर का सिलेबस, तो फिर पटवारी का सिलेबस आ, तो फिर पंजाब पुलिस का सिलेबस आ, कॉन्सटेबल का सिलेबस आ, ठीक है। तो वीडियो का सिलेबस भी मैच किया मैं इन्हों एक्साइज और टैक्स इंस्पैक्टर का सिलेबस भी मैच किया। सारे अपना सिलेबस इतने भी देख सकते हो। साइट पर, ठीक है, थोड़े सामने स्क्रीन पर लग्या हुआ है सिलेबस। तो उस तो बाद तुसीं सारे टैलीग्राम चैनल पर भी विजिट करके अपना सिलेबस मैच कर सकते हो कि सिलेबस तुहाडा ऑलमोस्ट सब दा सेम है। जिवें कि मैं तुहानूं अगे भी कहा सी जदों फॉरेस्ट गार्ड की आपां तैयारी शुरू की सी कि जो जेकर तुसीं एक बार मेरे चैनल तो तैयारी कर लेने हो तो तुसीं अगे जाके कोई भी पेपर विदाउट करंट अफेयर तुहानूं नाल दी नाल ही करनी पैनी है। पर करंट अफेयर तो बिना होर तुसी कोई भी टॉपिक ना छड्डियो, मतलब कि करंट अफेयर तो तुसी हुण भी कर ही रहे हो पर करंट अफेयर नूं तुसी कदे भी नहीं छड्डना। पर अज तो बाद तुसी 2 साल बाद भी कोई एग्जाम दिंदे हो, 3 साल बाद भी एग्जाम दिंदे हो, जिहड़े नोट्स तुसी मेरे नाल जां मेरे तो बना लए ने तां उहनां नूं ही पढ़ के अगे तुसी कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकदे हो। जिहड़ी भी आपां हुण तक तैयारी कीती आ उहदे विच इह नहीं गा कि मैं एक बार तुहानूं तैयारी करवाती तुसी कोई होर पेपर नहीं दे सकते। तुसी एक बार तैयारी कर लो, तुसी उस तो कोई भी कंपीटेटिव एग्जाम आ जिहड़ा दे सकते हो। तो सब तो पहला आपां सिलेबस की गल कर रहे सी। सिलेबस दे विच जीके पोर्शन दे विच तुहाडा जिहड़ा फर्स्ट टॉपिक आ उह किहड़ा वा, फर्स्ट टॉपिक आ जी तुहाडा सारे स्टूडेंट्स दे लई जिहड़े पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हां दे लई 35 नंबर की जीके आनी आ। तो सिलेबस आ जिहड़ा तुहाडा ऑलमोस्ट सेम आ, पंजाब पटवारी दे नाल भी सेम आ, बस लैवल का थोड़ा फर्क जरूर पै जाना कि लैवल दे विच जिहड़े MCQ आ अप आउणगे, ठीक है। सब तो पहला जिहड़ा तुहाडा टॉपिक आ उह आउणा जी इंडियन पॉलिटी, ठीक है, जां फिर पोलीटिकल इशूज़, तो वह किसी ने भी नाल रिलेटिड आ सकते हैं, ठीक है, पोलीटिकल इशू, क्योंकि इंडियन पॉलिटी की गल करिए पोलीटिकल इशूज़ की गल करिए, ठीक है। तो इंडिया दे विच साडा पंजाब भी आ जांदा, पंजाब दे पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो 1 तो 2 नंबर दे MCQ तुहानूं इंडियन पोलिटी पंजाब दे नाल रिलेटिड भी आएगी, ठीक है। तो पोलीटिकल इशू आ जिहड़ा तुहाडा मेन टॉपिक आ हरेक कंपीटेटिव एग्जाम दे विच, ठीक है, किसी दे एग्जाम किसी कंपीटेटिव एग्जाम दे विच की लिखिया वा कि अलग अलग टॉपिक दे मैनशन किए हुए आ, किसी दे विच डायरैक्ट शॉर्ट ही पोलीटिकल इशू लिखता, तो ये तुहाडे लई एक मेन टॉपिक आ। पर पंजाब पुलिस दे जिहड़े स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे ने उन्हां दे लई जो इनवायरमेंट आ वह नहीं गा सिलेबस दे विच, पर बाकी स्टूडेंट्स दे लई इनवायरमेंट इशूज़ आ जिहड़ा सैकेंड टॉपिक आ। उस तो बाद तुहाडा करंट अफेयर जो मेन आ, ठीक है, इनवायरमेंट इशू तुहाडा मेन टॉपिक आ जिहनूं तुसीं EVS बोल दिंदे हो। थर्ड टॉपिक तुहाडा करंट अफेयर आ, सब दा ही करंट अफेयर हमेशा ही नैशनल एंड इंटरनेशनल लैवल की पूछी जाती है, तो असी जो करंट अफेयर कर रहे हो नैशनल एंड इंटरनेशनल लैवल की ही करंट अफेयर आ, यानी कि भारत ते भारत के गुआढ़ी देशों के विच चल रहे मसले ये तुहाडी जो करंट अफेयर आ, ठीक है। तो करंट अफेयर जिहड़ी तुसी उहनू डेली अपने 10 या 15 मिनट जरूर दिओ, 7 बजे अपनी क्लास लगती है, उस दे नाल तुहाडी नॉलेज दे विच की इंक्रीमेंट होया तुहानू अपने आप पता चलेगा, ठीक है। ये कुछ GK दे टॉपिक आ, ये मैं बोर्ड ते तां वैसे तां तुहाडे सामने तुसी टैलीग्राम चैनल ते विजिट करके देख सकते हो, पर ये लिखण दा कारण की आ कि मैं इत्थे क्यों लिखे आ, क्योंकि मैं तुहानू दसना चाहुंदी आ जिवें तुहाडा फर्स्ट टॉपिक आ पोलीटिकल इशूज़, जेकर तुसी किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुहानू नहीं पता लग रहा कि तुसी तैयारी किवें करनी आ, तो तुसी सब तो पहला टॉपिक आ पोलीटिकल इशूज़ इस नूं कवर करो, ठीक है। इस नूं जिन्ने टाइम तुसी कवर कर सकते हो, जिन्नी तुहाडी कपैसिटी है, जिन्ना तुसी अचीव कर रहे हो उन्हें उन्ने टाइम दे विच कवर करो, चाहे 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ,
ठीक है, पर इनू कवर करो। इनू कवर करन तो बाद EVS टॉपिक का सैकेंड, जिहड़े स्टूडेंट्स पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पोलीटिकल दे ही अलग अलग टॉपिक दिते हुए हैं, जो सैकेंड टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी सब का सिलेबस जरूर सेम आ, ठीक है, वो तुसीं कवर कर लेना, जिवें EVS आ फिर सैकेंड कवर करो, फिर थर्ड कवर करो, फिर अप टू सोन इदा इदा तुहाडे जिहड़े टॉपिक वो चलते रहेंगे, साइंस एंड टैक्नोलॉजीज, इकनोमिक्स इशूज, इन्हां नूं तुसीं सारयां नूं कवर करना। पर इत्थे एक गल दा ध्यान देना, जिवें तुहानूं इहदे विचों किसे नंबर पेपर दे विच 30 नंबर दी जीके आ, किसे च 35 दी आ, किसे च 40 दी आ, ठीक है, और अलग अलग मार्क्स दे अकॉर्डिंग लैवल भी अलग अलग आ। जिवें आपां लो लैवल टू हाई लैवल तैयारी करदे हां कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह आ जाए तुसीं आसानी दे नाल उसनूं समझ सको, ठीक है, पर इस दे अकॉर्डिंग जिहड़े तुहाडे नंबर आ वो थोड़े अप डाउन जरूर हैगे आ। पर तुसीं देखो जे तुहानूं 30 नंबर दी मन के चलो जीके आउणी आ, 30 नंबर की जीके आनी है, ये अगे है 8-9 टॉपिक, 9 टॉपिक तो पक्के ही थोड़े, हाँ जी 9 टॉपिक आ, ठीक है, 9 टॉपिक के 30 नंबर का पेपर आना, तो वह भी कितों कितने किन्नी डूंघाई दे आना यह किसी भी नहीं पता हों। वैसे तो असं हाई लैवल तक कंपेयर मतलब कंप्लीट करते हैं, पर फिर भी नहीं पता लगता कि एग्जामीनर कितों तो कितों चक लेंदा जां घुमा फरा के पा दिंदा, ठीक है, ये तुहानूं बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करन दी लोड़ पैंदी आ, ठीक है। पर जो मैं हुण दसन वाली उन्हूं ध्यान नाल सुनो, जिवें तुहाडा आपां पंजाब पुलिस दा सिलेबस दे विच ही जाके देख लैंदे आ, पंजाब पुलिस दा जो पेपर आ सिलेबस आ जी तुहाडा, उहदे विच जिहड़ी तुहानूं मैथ ते रीजनिंग आ, जो मैं मेन गल दसन वाली आ हुण दसन वाली आ, ठीक है, मैथ ते रीजनिंग आ जिहड़े 40 नंबर दे आउणे आ टोटल, ठीक है, 20 नंबर दा मैथ आ तुहाडा ते 20 नंबर दी रीजनिंग आ, 40 नंबर दा मैथ रीजनिंग आउणा, ते मैथ दे विच टॉपिक किन्ने आ, मैथ दे विच टॉपिक किन्ने आ, 8 टॉपिक 40 नंबर दे विच 20 नंबर दे विच आ रहे आ, तो मतलब की आ मैथ दा देखो इस चीज़ दा तुहानूं बहुत डूंघाई दे विच जाना पैना जीके दे विच। मैथ दे विच तुहानूं की आ बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ छड्ड दिंदे औखा मन के, पर मैथ दे विचों तुसीं एक चैप्टर दा एक कंसैप्ट एक अद्धा कंसैप्ट हुंदा जिहड़ा क्लीयर कर लिया, जो क्लीयर आ तो 3 नंबर का जो सवाल एक चैप्टर के 3 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करोगे, मैं पूरा यकीन दवानी हाँ थोनों कि जेकर तुम एक बार तैयारी कर लें तो हरेक एग्जाम आसानी के नाल अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। मतलब की है कि मैथ तो रीजनिंग इदा के टॉपिक आ जिदे 40 नंबर बिना सोचे समझे लै सकते हो, ठीक है, 40 नंबर तुहानूं मैथ रीजनिंग दे विचों आने आ, ते टॉपिक भी बहुत रीजनेबल जे जां फिर कह सकते हैं आपां बहुत बेसिक जे दे विचों आ, ठीक है। मैथ दे विच सिर्फ स्टेटमेंट नूं घुमाया जांदा, स्टेटमेंट समझनी जरूरी आ, कंसैप्ट सीखना जरूरी आ, एक कंसैप्ट क्लीयर आ तो 20 चों जे ज़्यादा नहीं तो तुसीं 17 तो लै ही सकोगे, ठीक है। तो जे 40 आ तो रीजनिंग दे तुसीं 40 चों 40 ही लओगे, रीजनिंग तो इन्नी ज़्यादा ईजी आ, सारा कुछ साढ़े माइंड ते ही डिपेंड करता वा, ठीक है। उस तो बाद जिहड़े तुहाडे टॉपिक का सिलेबस आ पंजाबी का 13 नंबर की किसी पेपर च 15 नंबर की, इंग्लिश किसी पेपर च 12 नंबर की या किसी पेपर च 10 नंबर की आ जाती है जां 15 की आ जाती है, ठीक है। तो जिहड़ा फिर तुहाडा ICT कंप्यूटर आ वो तुहानू 10 नंबर का या 5 नंबर का आना है, ठीक है। बाकी सारा सिलेबस तुहाडा ऑलमोस्ट सेम आ, तो सिलेबस के विचों पंजाब जीके भी असं कर रहे हैं, सारिया क्लासा साड़ियाँ लग रही ने, ठीक है। बस मेरा मेन दसन का ये मोटिव से कि तुम की करना कि टॉपिक वाइज अपनी तैयारी शुरू करो, अपना सिलेबस उठाओ, वह प्रिंट कढ़ा लो जां नोटबुक पर लिखो, ठीक है। जो तुम सिलेबस लिखोगे जोड़ा टॉपिक तुहाडा हो गया उन्होंने टिक करो, जोड़ा रह गया उन्होंने भी करो, उन्होंने करके फिर उन्होंने टिक करो, सैकेंड ते थर्ड ते जिहड़ा भी टॉपिक पहुँचे हाँ। इदा ही तुसीं एक टॉपिक जीके दा करी चलो, नाल दी नाल 1 घंटा जीके नूं दे लो, 1 घंटा तुसीं मैथ नूं दवो, मैथ दा पहला टॉपिक शुरू करो, जिथों भी समझ आउंदा कर लो, ये नहीं कि मेरे चैनल तो करना, जिहे चैनल तो करो चाहे किसी तो ऑफलाइन कर लो, पर इस तरह तुसीं टॉपिक वाइज अपनी तैयारी शुरू करो, नाल दी नाल अपने मॉक टेस्ट दिंदे रहो, जिहड़े मॉक टेस्ट आ उह सानूं सिखाउंदे आ कि किवें असीं पेपर नूं अटैम्प्ट करना, किवें असीं थोड़े टाइम के ही एक MCQ पढ़ना वा, क्योंकि पेपर भी तुहाडा ऑनलाइन होना है, ठीक है। सैकेंडली जो गल मेन मैं तुहानूं दसन वाली हाँ, तुसीं एग्जाम दे विच जाना, ठीक है, जो तुसीं एग्जाम दे विच जाने हो तुसीं सब तो पहले की करते हो कि औखा पोर्शन चक लैंदे हो, जिहड़े तुहानूं टफ लगदे आ, जिवें किसी नूं मैथ टफ लगदा उहने पहला मैथ करन लग गया, जदों मैथ कीता तां मैथ दे 2 सम ही तुहानूं इन्ने टफ लगे
ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾ ਐਂ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ 2 MCQ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਟੈਂਪਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਏ ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਸਾਰ ਟਫ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਲੋ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰਾ ਬੈਟਰ ਥਿੰਗ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਢੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਵੇ ਆ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਰੀਡ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲਾ ਟੋਪ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਟੋਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ